हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज हम गणित विषय पर लेसन प्लान बनाएंगे जिसमें टॉपिक है दशमलव संख्याएं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डालेंगे दिनांक, कक्षा 7, वादन, विषय गणित, उपविषय अंक गणित और समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे दशमलव संख्याएं, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड डबल अंडरलाइन में। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, गणित के सामान्य उद्देश्य इस प्रकार है, आप यहाँ से देख लीजिए। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, जिसमें फर्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी दशमलव संख्याओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड है बोधात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी दशमलव संख्याओं के नियमों को समझ सकेंगे, उदाहरण दे सकेंगे। और थर्ड है प्रयोगात्मक उद्देश्य, जिसमें विद्यार्थी दशमलव संख्या से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। फिर लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे चौक, डस्टर, लपेट, शाम्पट, संकेतक आदि। अब नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे और पूर्व ज्ञान लिखेंगे कि छात्र छात्राएं दशमलव के चिन्ह को पहचानते हैं, छात्र छात्राएं साधारण जोड़, घटाव, गुणावा, भाग करने में सक्षम हैं। प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, जिसमें कि 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। पहला डाले क्वेश्चन लिखेंगे, छात्रों आप सभी कॉपी में किससे लिखते हैं? तो बच्चे आंसर कर देंगे, हम कॉपी में पेन या पेंसिल से लिखते हैं। पेन कितने रुपए में मिलता है? पेन 5 रुपये, 10 रुपये या 20 रुपये आदि में मिलता है। 5 रुपये 50 पैसे को आप अंकों में कैसे लिखेंगे? 5 रुपये 50 पैसे को हम अंकों में 5.50 रुपीज़ लिखेंगे। ये पॉइंट का चिन्ह ब्लैक बोर्ड में बनाकर दिखाते हुए, यह किसका चिन्ह है? यह दशमलव का चिन्ह है। दशमलव संख्या के योग व व्यवकलन से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, मौन हो जाएंगे और ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद दूसरे पेज में आएंगे और डालेंगे उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम दशमलव के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद 7 कॉलमों की एक बड़ी तालिका बना लेंगे 2 पेज पूरे में, जिसमें पहला बिंदु है शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, शाम्पट कार्य और मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु लेंगे दशमलव संख्याओं का योग। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, पहला 2.1 कैसी संख्या है? तो बच्चे आंसर करेंगे 2.1 दशमलव संख्या है। सेकंड क्वेश्चन होगा, दशमलव संख्या के योग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो स्पष्ट उत्तर, यहाँ बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे सही से। इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि दशमलव संख्या का योग करते समय दशमलव के नीचे दशमलव आता है और सामान्य योग की भांति इन संख्याओं को भी जोड़ दिया जाता है, जैसे 2.43 + 3.51। इसे ऐसे ब्लैक बोर्ड में जोड़कर दिखाएंगे और लिखेंगे, यदि दशमलव के बाद कोई अंक ना हो तो उसके स्थान पर 0 लिख दिया जाता है। छात्र छात्राएं क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे तथा श्यामपट कार्य को कॉपी में नोट करेंगे। विधि में प्रश्नों के सामने प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान किया व्याख्यान विधि, यहाँ पे उदाहरण दिया तो दृष्टांत विधि। श्यामपट कार्य में हमने एक श्यामपट पेस्ट किया, जिसमें हमने श्यामपट में जो भी करेंगे वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये सारी चीज़ें वैसे ही डालेंगे, टॉपिक लिख देंगे, जोड़ जोड़ के 2 क्वेश्चन करके दिखा देंगे, 4 क्वेश्चन। फिर मूल्यांकन में एक प्रश्न पूछेंगे बच्चे को, पहला है 9.1 + 3.5 को जोड़िए, तो बच्चे आंसर करके बता देंगे। सेकंड देंगे 3.54 + 0.3 को जोड़िए, तो बच्चे इसको भी जोड़ के आंसर बता देंगे 3.84। अब दूसरे पेज में आएंगे, एक और एग्जांपल हम दे देंगे। सेकंड शिक्षण बिंदु डालेंगे दशमलव संख्याओं का व्यवकलन, छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। पहले शिक्षण बिंदु के बाद आज जितने भी शिक्षण बिंदु लें उसमें छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे ही लिखेंगे। फिर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, योग का विलोम क्या होता है? तो बच्चे आंसर कर देंगे, योग का विलोम व्यवकलन होता है। फिर सेकंड है, दशमलव संख्याओं के व्यवकलन से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि दशमलव संख्याओं का व्यवकलन करते समय दशमलव के नीचे दशमलव आता है और सामान्य अवकलन की भांति शेष संक्रिया होती है, जैसे 4.50 - 2.25। तो इस तरह लिखेंगे ब्लैक बोर्ड में और आंसर लिख देंगे 2.25। विधियों में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, दृष्टांत विधि। श्यामपट कार्य व्यवकलन के 2 या 4 क्वेश्चन करके दिखा देंगे ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को, और वही यहाँ पर भी कर देंगे। एक मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे, 6.05 - 3.13, तो बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करके आंसर बता देंगे, 4.92 आया। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आते हैं, फिर थर्ड शिक्षण बिंदु है दशमलव संख्याओं का गुणावा भाग। फिर यहाँ पे छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे।
विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे पहला कि ये बनाते हुए किस संक्रिया का चिन्ह है, तो बच्चे बता देंगे गुणा का चिन्ह है। फिर सेकंड क्वेश्चन होगा दशमलव संख्या के गुणा व भाग से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि दशमलव संख्याओं का गुणा करते समय सामान्य गुणा की भांति गुणाकर दशमलव कितने अंकों से पहले आता है गिनकर लगा दिया जाता है, जैसे 2 × 3.5 = 7। भाग गुणा की विलोम संक्रिया है, इसमें दशमलव संख्या से जिस संख्या का भाग करना हो उसका व्युत्क्रम लिख दिया जाता है व गुणा का चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे कि 3.7/10 था, अब भागे की जगह गुणे का निशान लगा दिया और 10 का व्युत्क्रम हो गया 1/10। इसको सॉल्व करेंगे आया 0.37। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे तथा श्यामपट कार्य को कॉपी में नोट करेंगे। शिक्षण विधि डालेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और दृष्टांत विधि। श्यामपट कार्य कर देंगे, दिनांक कक्षा वादन विषय उपविषय समयावधि प्रकरण डालेंगे, फिर हल करो, एक गुणा का क्वेश्चन एक भाग के क्वेश्चन कर देंगे। अब बच्चों को इनमें से कुछ क्वेश्चन करने को देंगे, जैसे बच्चों को पहला दिया कि 100 × 5.43, तो बच्चे इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे और आंसर बता देंगे कि 5.43 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे 10 / 3.80, बच्चे इसे भी अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न हमेशा जो आपने पढ़ाया है उसमें से ही होना चाहिए। इसके बाद ये तालिका खत्म हो गई, इसको बंद कर देंगे और डालेंगे कक्षा कार्य निरीक्षण कार्य, जिसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका श्यामपट कार्य को कॉपी में नोट करने को कहेंगी तथा छात्रों से प्रश्न हल करवाएंगी व कक्षा कक्ष में घूम घूम कर प्रत्येक विद्यार्थी के कार्यों का निरीक्षण करेंगी। फिर गृह कार्य के लिए प्रश्न देंगे, पहला प्रश्न है हल कीजिए, जिसमें कि 5 पॉइंट्स है। पहला है 2.50 + 3.6, दूसरा है 2 × 3.56, थर्ड है 3.43 + 5.30 - 3.24, फोर्थ है 5.34 × 2.53 और फिफ्थ है 76.34 × 78.01। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।